प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन में स्वागत है। तो पोलराइजर खराब होने से पिक्चर में कुछ ये दिक्कत आती है, तो इसे हम सही कैसे करें और पोलराइजर कैसा लगाएं, इसकी मैं डिटेल देने जा रहा हूँ। तो पोलराइजर कैसा निकालता हूँ और कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊँगा, बने रहे। देखिए स्क्रीन में ज़्यादा करके ये पोलराइजर खराब होने का कारण एलसीडी में ज़्यादा करके आता है, तो इसे हम निकालेंगे। तो ये बहुत ही सावधानियों का काम है पोलराइजर को निकालना। इसके थोड़ा हल्का हल्का हम ये जो है ये टी आयरन स्पेशल पोलराइजर निकालने के लिए ही है, तो इसे थोड़ा हम हल्का हल्का दबा के थोड़ा प्रेस करेंगे तो बड़ी आसानी से पोलराइजर आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। ज़्यादा हम इसे ताकत लगाएंगे तो हो सकता है हमारी पैनल टूट जाए, इसे हम एकदम धीरे धीरे ही निकालना है, जल्दबाजी ना करें, इसे हम थोड़ा थोड़ा ही निकालेंगे। पोलराइजर अगर ये हमारा कहिया कॉप को टच होता है तो हमारी पैनल ख़राब हो जाएंगी, तो इसे बहुत ही सावधानी से निकालें। पोलराइजर ये ज़्यादा करके एलसीडी में ख़राब होते हैं, क्योंकि उसमें एलईडी लाइट नहीं, सीएफएल लाइट या ट्यूबलाइट भी बोल सकते हैं, उसकी जो हीट होती है उसके कारण ये पेपर जल जाता है, तो ज़्यादा करके एलसीडी में ये प्रॉब्लम आता है। तो धीरे धीरे हम निकालेंगे, वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप करके आगे बताता हूँ। तो हमने ये बहुत ही आसानी से निकाल लिया है, जिसे हम हाथ से क्लीन भी किया, तो हम पोलराइजर लगा के चेक करेंगे एक बार कि हमारा पिक्चर कौन से एंगल में सही से आएगा, वरना आप उल्टा लग जाएगा तो पिक्चर भी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इसे हम ऊपर से ही लगा के देखेंगे, पिक्चर को देख लेंगे कौन से हमें सीधा या उल्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल जैसा ही पिक्चर सही आए वही एंगल में इसे लगाना है। तो ये देखिए चेंज करते हैं तो पिक्चर का मूवमेंट भी चेंज होता है, अगर हम इसे उल्टा लगाएंगे तो कैसा दिखेगा वो भी मैं बताता हूँ। अगर हम इसे उल्टा लगाएंगे तो पिक्चर की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, देखिए कैसा दिख रहा है पिक्चर। तो इसे ऐसा चेक करने के बाद ही बाद में टीवी को बंद करके इसे लगाना है, तो लगाना कैसा है वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा देखने को। देखिए ये वाइपर से हम पोलराइजर को प्रेस करते हैं, ये हमने पोलराइजर लगा दी, सेट हमारा ओके हो गया, क्वालिटी भी बेस्ट है, पहले भी कैसा दिखता था पोलराइजर ख़राब के कारण बता रहा हूँ, और अभी जैसा लगाया वो भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।